राजसमंद जिले के कुंवारिया तहसील के पदमपुरा गांव के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अपने जमीन और मकान के पट्टे दिखाते हुए ग्रामीणों ने इंसाफ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पदमपुरा गांव में उनके पुश्तैनी मकान बने हुए हैं और पिछले 50 साल से अधिक समय से वह उसी जमीन पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हें तहसीलदार का एक नोटिस मिला जिसमें जमीन चारागाह की बताते हुए उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। अनपढ़ ग्रामीणों ने बताया कि उनके बाप दादा इस जमीन पर मकान बनाकर रहते थे। ऐसे में जब उन्हें इस जमीन पर पट्टे मिले तो उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह जमीन चारागाह की है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से इस जमीन को आबादी क्षेत्र में घोषित करने की गुहार लगाई, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरित ने सकारात्मक आश्वासन दिया और न्याय सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। हमारा दादा बाप ही वहाँ पर गया सर, हम ही बूढ़ा भैया है वहाँ पर चलो मेरे को निकल गया बेकारी दादू इस सरकारी में सरनोट है कि अलोट है का मेरे बजा का मेरे को पट्टा दिया गया या मेरा कोलानी का जी में शपथ किया सर। नोटिस आया थी वो सर का मेरे को खबर पड़ी दूसरे कई खबर नहीं पड़ी यो ठेर से एरिया कई तबलीग नहीं है सर की ये बाणु दादा ये मेरे को बाणु दादा घटना भी सर 80-90 साल में ही है सर। 20 जमीन सही मकीन है मकान है कम से 42 मकान होगा मतलब तो दिक्कत आएगी कि तहसीलदार साहब कहता है कि ये मकान सब हटाया जाए खाली करना साइड जो इस पे सोमवार से मौसम में कहाँ से जाना कैसे करा सर। दादा परदादे पूरे गांव वाले वहाँ रहे साथ में, हम पढ़े वहीं लिखे वहीं बड़े भी हुए वहीं, हमारे को कुछ पता नहीं है सारा ग्रह बिलाना में आबादी कुछ पता भी नहीं था। जब हमारे पंचायत से नोटिस आया कुंवरिया तहसील से नोटिस आया उसमें देखा तो सारा ग्रह में जमीन गई हुई थी। हमारे को 15 तारीख की पेशी आई थी, 15 तारीख को गए तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने बोला कि आप वो जमीन खाली कर देना। बाद में उन्होंने उनके गए पंचायत में गए देखा खाली करना खाली करें कैसे पट्टे में, तो हमारे पहले के पुराने पट्टे ढूंढे तो पट्टे मिले थे पुराने पट्टे थे। पंचायत के अंदर आए तो तहसीलदार साहब दोबारा वापिस आए गाँव में बोले कि अभी तक आपने जमीन खाली नहीं की, 8 तारीख की मोहलत दी हमारे को जमीन खाली कर देना। अब जाए तो जाए कहाँ, हमारे बच्चे बच्ची पूरे वहीं स्कूल में पढ़ते हैं वहीं बड़े होते हैं घर बार सबके 60-70-80-90 साल के, हमने भी देखे नहीं है। परदादे पूर्व बुजुर्गों के वहाँ स्थान भी है, हमने देखा है कि हाँ यहाँ पर रहते थे हमारे परदादा, हमारे को पता ही नहीं था सर ये सारा ग्रह है क्या है। आम रास्ता है सब कुछ है, सब सुविधा मिल रही थी हमारे को, राशन कार्ड है लाइट बिल है सब कुछ सुविधा है, गेहूँ मिल रहे पानी मिल रहा है सब मिल रहा है, लेकिन इतने साल हमारे को कुछ पता ही नहीं था सर। अभी अभी पता अभी जाके हमारे को पता चला सर।